छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिले के बेला ब्लॉक के ग्राम कुम्ही में जान माल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे स्काई लार्क पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण डिप्टी कलेक्टर बीएमओ बेला, नायब तहसीलदार हल्का पचवारी कोटवार और समस्त ग्रामवासी कुम्ही की उपस्थिति में किया गया। विदित हो कि बेला क्षेत्र के लगातार पोल्ट्री फार्म स्थापित किया जा रहा है, वहीं कुम्ही खुर्रा के स्काई लॉक पोल्ट्री फार्म जो कि ग्राम कुम्ही और ग्राम खर्रा के मध्य राजस्व भूमि में स्थापित है, जिसको तत्कालीन सरपंच कल्याणी साहू ने पोल्ट्री फार्म को बिना ग्राम सभा बैठक कराए ग्रामीणों को जानकारी दिए बिना एनओसी देकर पोल्ट्री फार्म स्थापित किया है और सरपंच द्वारा पोल्ट्री फार्म को निरंतर संरक्षण दिया जा रहा है। सरपंच द्वारा पोल्ट्री फार्म के लिए ग्राम कुम्ही के राजस्व भूमि में मनरेगा के तहत रोड बनवाया गया है, जिस रोड का कुम्ही वासियों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं था और पोल्ट्री फार्म वाले ग्राम कुम्ही के राजस्व भूमि में गंदे मटेरियल को खुले में बहुत दिन से डाल रहे हैं, जिसका सरपंच ने तनिक भी विरोध नहीं किया। जिस प्रकार से सरपंच के संरक्षण देने के कारण पोल्ट्री फार्म वाले दूषित वेस्ट मटेरियल को निर्भीक होकर ग्राम कुम्ही में खुले में डाल रहे हैं, जिसके कारण बीते दिनों दूषित पानी को पीने से एक बंदर की मौत हो चुकी है और गंदे पानी को पोल्ट्री फार्म वाले नहर पानी में छोड़ रहे हैं, जिसके प्रभाव से ग्राम कुम्ही के बहुत से किसानों का धान का फसल सूख गया है और वहीं गंदा पानी तालाबों में भी जा चुका है, जिसके प्रभाव से ग्राम कुम्ही के बहुत से लोगों के शरीर में दाद खुजली हो गई है और पोल्ट्री फार्म के प्रदूषण से गाँव में मक्खियां भी बहुत बढ़ गई है, जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रही है। अधिकारियों ने ग्राम कुम्ही के पंचायत भवन में बैठकर समस्त ग्रामवासी कुम्ही के पोल्ट्री फार्म से होने वाले नुकसान के बारे में लिखित बयान दिया और पोल्ट्री फार्म वाले को भी नोटिस जारी किया कि एक सप्ताह के भीतर वेस्ट मटेरियल का व्यवस्था अपने फैक्ट्री के अंदर करें, अन्यथा फैक्ट्री वालों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही शासन द्वारा की जाएगी। अधिकारियों ने ग्राम कुम्ही के किसानों को भी आश्वासन दिया है कि पोल्ट्री फार्म को सरपंच द्वारा जारी किए गए एनओसी संबंधी दस्तावेजों का आधिकारिक जांच किया जाए और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए, क्योंकि यह गंभीर मामला है। तो आप लोग अपना वो जितना पानी खुला खुला मेरी नजर में दिखा है, आप प्लीज उसको आप एक हफ्ते के अंदर वो पानी मेरे को वहाँ पे नहीं दिखा। ठीक है मैडम, तो और बोला था एक बार और आए थे हम लोग पूरा वहाँ पूरा एक बार और आया था तो फिर वही फिर बोल दिया सब लोग आ जाओ इधर फोटो ले लेते हैं वीडियो करवा देंगे ऐसे करके बोल दिया, फिर नहीं करवाया। टैंकर में कर लेते हैं, ऐसा मत देना कि ये पूरी जमीन दिखा दे तू और या पूरा आसमान दिखा दे, सर पूरा पैर से ले लो नीचे ऐसे यहाँ से चढ़ा क्यों यहाँ रख रहे हो भैया। जैसा दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। ठीक, आपको कोई परेशानी है? हमको परेशानी से जहरीले पानी से है ना जी मैडम, ये बात है ना, पानी अगर हट जाएगा और दोबारा पानी वहाँ पे कभी नहीं आएगा, समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब उसको पानी डालना ही दे देगा, मिट्टी तो डालना है बाजू में जो मिट्टी पड़ी है, जब उसको काम ही नहीं है मिट्टी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी मौजूदगी एक बार की बहुत है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मैंने निर्देश पहली बार दिया है, मेरा एक बार की मौजूदगी ही बहुत है। एक बार आ गए हैं किसी को भी मौका दो तो इतना लाखों लगा के पोल्ट्री फार्म खोला है, वो दो पैसा लगा के टैंकर लगा के सक्शन करा लेगा उसको पूरा पानी, वो तो बहुत चंद पैसे का दो पैसे का उपाय है, वो कोई महंगा उपाय नहीं है, वो तो बहुत ही छोटा उपाय है। आप एक हफ्ते के अंदर प्लीज है ना, और कोरस जी आप उसे पहले एक हफ्ते बाद नहीं आ पाऊँ मैं, ऐसा करके बयान ले लीजिए है ना, 10:30 बजे से राज्योत्सव है उसके आज 1 नवंबर है ना। पहली बार हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं है यहाँ से, सिर्फ बदबू बस मिलता है हम लोग को और कुछ नहीं मिलता। हमारी मात्रा में भी चंदा नहीं मिलता, चंदा नहीं मिलता है। कौन सी जमीन पे है ये? खर्रा जमीन पे है, खर्रा राजा। ये जमीन कौन सी है? खर्रा की, खर्रा, खर्रा की जमीन पे है, एनओसी खर्रा से मिला। हाँ, और कुम्ही में क्या प्रॉब्लम? कुम्ही में रोड से रास्ता दिया गया, कुम्ही से रास्ता मिला है, बकायदा उस रास्ते को मनरेगा के तहत बना के दिया गया, कुम्ही से इसको इनको रास्ता मिला। हाँ, जिससे हम लोग, हाँ ये है वो कुम्ही का रास्ता, पूरा कुम्ही का जमीन। चलो ठीक है पोरस जी, सुनिए मैं ये इसके बारे में पता कर लेती हूँ, एनओसी इनको अगर मिला है। मैम ये जो नया इशू है कि ये रास्ता
तो ऐसा उसको वो परिवर्तित कर सकते हैं क्या, या जहाँ से मिला है रास्ता भी वहीं पे होना चाहिए क्या? मैं इस बारे में और कंफर्म कर लेती हूँ, एनओसी और एन का चेक करवा लेती हूँ, इनको समस्त दस्तावेजों के साथ में मेरे कार्यालय बुलवा दूंगी, ठीक है। मैं लेटर जारी कर दूंगी क्योंकि अभी सब टाइप पाइप की सुविधा यहाँ पे नहीं है ना। नहीं अभी टाइप पाइप की सुविधा यहाँ पे नहीं है ना, मैं लेटर वहाँ से टाइप करवाऊंगी ना, भेजूंगी डिस्पैच करा के लेटर। ये रास्ता ना हम लोग के गांव में कोई काम के लिए नहीं है, ये रास्ता जबरदस्ती इसको दिया ना एनओसी, उस वजह से ये खुद बनवाई है, मैं बता रहा हूँ, ये खुद बनवाई है महोदय जी। और पूर्व में भी सरपंच यही थी, हाँ, और आज भी है, आज भी है, ये खुद बनवा के दी है इसको रास्ता। नहीं तो एनओसी है, एनओसी तो एनओसी है ना, परेशानी नहीं, परेशानी नहीं, गलत बात बोला सकते हैं, गलत बात बोला जा रहा है ना। खर्रा में, खर्रा में सरपंच दो ना, गांव का आश्रित गांव था, आपने एनओसी दिया था कि मतलब खर्रा में ही पोल्ट्री फार्म खोल लो, तो आपने नियम कानून के तहत दिया होगा ना, और वो जो प्रस्ताव पारित सर्वसम्मति, नहीं मैंने कोई नहीं था, चुपचाप तरीके से दिए थे लोग, अंदर ही अंदर दिए हैं मैम, वैसे कोई जानकारी नहीं है गांव में, पंच को मालूम नहीं है, चुपचाप तरीके से देखो। जी जी जी, अगर मैं आपके पंजी का अवलोकन करूंगी रास्ता पानी, तो मुझे दस्तखत मिल जाएंगे उसमें, कोरम कितना कोरम होना चाहिए, दस्तखत मंगवा लीजिए ना मैडम। हां ठीक है, अगर ऐसा बोल रही है तो फिर अभी तो एक जारी की थी मैडम, एक तो जारी की थी, अगर ये बोल रही है वो तो कैंसिल हुआ, अगर ये झूठ बोलेगी तो एक मिनट में इसकी पंजी देख लो, वो तो हो गया है। एक शिकायत है सर, वो जो पोल्ट्री फार्म खुला है उससे बहुत बड़ी शिकायत है और गंदगी बहुत फैला रही है, वो खर्रा के राजस्व में उसका ज़मीन है, वो खर्रा से एनओसी मिला गया है उसको, लेकिन खर्रा में वो खर्रा के बजाय कुम्ही में वो अपना मटेरियल जो है कुम्ही के बाहर में फेंक रहा है, जिससे गांव में बहुत से प्रदूषण फैल रहे हैं, साथ ही साथ मक्खियाँ बढ़ रही हैं, और पूरे तालाब में उसका पानी आ चुका है, तालाब में पानी आ जाने के वजह से बहुत से लोगों को खुजली जैसा एक बीमारी फैल रहा है, हर एक प्राणी को हो रहा है, और उसमें पशु पक्षी हर जानवर को परेशानी है, प्रदूषण भी वातावरण भी बदल चुका है, बहुत से बदबू भी आती हैं, और साथ ही साथ हमारे जो एनओसी दिए हैं सरपंच महोदय, वो भी कोई कदम नहीं उठाते उनके खिलाफ, कई बार हमारे साथ जाते हैं लेकिन वो कोई शब्द एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं, और जैसे उसका गड्ढा भी खनाया गया है, मतलब खुदवाया गड्ढा पानी डालने के लिए, उसके लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, जैसे अभी मुरुंग के लिए स्टे लगता है उसमें भी स्टे था लेकिन वो कोई जारी नहीं किया, अगर उसमें जारी कर रखता वो स्टे लगाती तो शायद वो गड्ढा नहीं होता, उसमें पानी भी नहीं डालता और प्रदूषण। आपको ये बताइए, जैसे गड्ढा खुदा एनओसी नहीं लिया बोल रहे हैं, तो एनओसी कौन नहीं दिया है, कौन दिया है? वो पोल्ट्री फार्म के लिए एनओसी दिया गया है, और जो गड्ढा खुदाया उसके लिए कोई एनओसी नहीं दिया गया, और उसमें मटेरियल डाला गया, उससे पूरा प्रदूषण फैल गया, जानवर भी मर गए दो चार, और गांव में पूरा बीमारी फैल रही है। ठीक, अब कोई भी बात शॉर्ट में बोल रहे JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।